त्रिजोगी नारायण का रास्ता यही है। इसी रास्ते से सीधा सीधा ऊपर चढ़ते जाना है। अभी शायद रोड आ जाएगा। बिना पूछे ही अपने आप से ही ये रास्ता ले लिया। लेट्स सी कहाँ पहुँचते। सही है। आई डोंट नो वेयर आई एम राइट नाउ। आई थिंक आई एम लॉस्ट। थोड़ा भटक गया था पर कोई बात नहीं। अभी मैं वापस मेन रोड पे आ गया हूँ। पीछे एक भाई जी मिले, उन्होंने बताया ये वाला शॉर्टकट रास्ता है। भाई जी ने जो रास्ता मुझे बताया वो भी गलत निकला। सो गाइस फाइनली मुझे शॉर्टकट रास्ता मिल गया। गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभो। सो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं कल रात को एक महाराज जी के यहाँ रुका था, महात्मा जी के यहाँ पे। उन्होंने अपनी कुटिया में मुझे सोने के लिए आसन दिया और रात में खुद अपने हाथों से खाना बनाया, रोटी और सब्जी। और मैं सच बोलूँ अब तक 7 दिन में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं खाया। बाबा जी ने मेरे को अपने पास बिठाया और उन्होंने खाना भी खिलाया और उन्होंने मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें भी दी। थोड़ा डांटा भी, फटकारा भी, बिकॉज़ आई मीन फ्यू थिंग्स दैट यू नो दैट यू थिंक यू नो। समटाइम्स व्हेन यू स्पीक टू समवन यू गेट टू नो दैट द थिंग दैट यू नो इज नॉट व्हाट इट इज। आई मीन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट बट या जो भी था बहुत अच्छा था। फिर रात में उन्होंने मुझे अपनी कुटिया में जगह दी। उनकी एक कुटिया है, उससे अलग और एक कुटिया है। उस कुटिया में मैं रात में सोया। और वो कुटिया बहुत ही बेसिक थी। बस एक खाट था अंदर और एकदम छोटी सी बनाई हुई थी। और वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ सांप वगैरह आते रहते हैं, चूहे वगैरह भी आते रहते हैं, सो डरना मत। पर ये बोल के उन्होंने मुझे डरा दिया। अगर वो मुझे नहीं बताते तो फिर भी मुझे डर नहीं लगता। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि विश्वास रखो, भरोसा रखो भोले पे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस भरोसा रखो और कुछ नहीं होगा। सो आई टुक हिज वर्ड एंड देन मैं अंदर गया, अपना बिस्तर लगाया ऊपर, ओढ़ा और सोया। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे इधर उधर से आवाज़ें सुनाई देने लगी तो थोड़ा सा मैं डरा, दिल घबराया मेरा थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में मुझे नींद आ गई। फिर सुबह कुछ 3:30-4 बजे मेरी नींद वापस खुल गई, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं था ऑनेस्टली। वो एक लकड़ी का ऐसा बना हुआ था। उसके बाद में मैं कोशिश किया लेकिन मैं सो नहीं पाया। फिर उसके बाद में 5:30 बजे फिर मुझे नींद लग गई तो फिर मैं 5:30 बजे सोया और फिर 7:30-7:45 बजे उठ गया। सुबह उठा, बाबा जी ने मेरे लिए ब्लैक टी बनाई, मैंने उनके साथ चाय पी और अभी मैं उनके यहाँ से निकल गया हूँ। नेक्स्ट टुडे आई एम गोइंग टू त्रिजोगी नारायण मंदिर एंड लेट्स सी कब तक मैं पहुँचता हूँ। मौसम भी कुछ बारिश वाला हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं अभी, बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। सो आई मीन आई हैड I wanted to go to Kedarnath, all the way to Kedarnath, but Kedarnath के लिए खुला हुआ नहीं है। So at least I'll go as close to Kedarnath as I can by walking, and उसके बाद में मेरी यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाएगी और फिर वहाँ से I'll come back. So I hopefully I'll finish it today and then I'll return back to Rishikesh, or maybe I will go to some other places. I don't know yet. Let's find out. आज का दिन बाकी दिनों से काफ़ी अलग था। मैं पहाड़ों में काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था और उसका फ़र्क मुझे नज़र आ रहा था। यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ और बहुत ही कम ह्यूमन इंटरफेरेंस था। मुझे यहाँ चलते हुए सिर्फ पंछियों की आवाज़, नदी का बहना और सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतना शांत और इतना दिव्य था यह वातावरण, जैसे कि सच में महादेव यहीं रहते हो।
उस दिन जब मैं बारिश में पैदल अकेले चल रहा था तो मुझे बहुत भूख लगी थी, पर रास्ते में कोई चाय की टपरी या ढाबा मुझे दिखा नहीं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रोड के उस साइड में एक बाबा जी बैठे नज़र आए। उन्होंने जब पैदल जाते हुए देखा मुझे तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बोला, बाबा जी आओ। जब मैं उनके पास जाके खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने बैग में से एक फॉइल पेपर निकाला। उस फॉइल पेपर में 3 रोटियां थी, उसमें से एक रोटी निकाल के मुझे दिया और बोला, खाओ। ये देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे भूख लगी थी और उन्होंने मुझे रोटी दी, आंसू इसलिए आए क्योंकि बाबा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल बच्चे जैसे थे। उसके बावजूद उन्होंने अपने हिस्से में से मुझे एक रोटी खिला दी। ये देख के मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ। चाहे बाबा जी की दिमागी हालत हमारे जैसी नॉर्मल हो ना हो, पर फिर भी उनकी इंसानियत हमसे कई ज़्यादा थी। अभी बज गए हैं सुबह के 11:15 और मैं यहाँ सीतापुर नाम के गांव में पहुँच गया हूँ। और ये गांव बहुत ही सुनसान और बहुत ही खाली खाली दिख रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े लॉज और बड़े बड़े होटल्स हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा है। नमस्ते जी, ये त्रिजोगी नारायण के लिए रास्ता कहाँ से होगा? त्रिजोगी नारायण आगे से। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ पैदल ही जाना है। हाँ रोड रोड नहीं जाना है, ऐसे ऊपर से जाना है। शिवालिक वैली रिसोर्ट्स के थोड़ा सा पहले एक रोड है जो सीधा त्रिलोकी त्रिज्योति नारायण जाएगा। सो ये शॉर्टकट रास्ता है और ये टोटल 5 किलोमीटर्स है। अगर आप बाय रोड जाओगे तो टोटल 13 किलोमीटर का होगा। सो आई एम टेकिंग द शॉर्टकट विच इज़ 5 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक एंड इट्स 11:30 नाउ। लेट्स सी व्हेन आई रीच। थोड़ी सी दूर चढ़ने के बाद ये मेन रोड आ जाता है। मेन रोड से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये टीम के घर आएंगे। बस यहाँ से एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक है टू द नेक्स्ट मेन रोड। त्रिजोगी नारायण का रास्ता यही है। ठीक है, इसी रास्ते से सीधा सीधा ऊपर चढ़ते जाना है। बीच में छोटे मोटे और पतले पतले रास्ते आएंगे, वो नहीं लेना है। जैसे ये वाला ऐसे नहीं लेना है, जो जो बड़ा ये वाला जो बड़ा रास्ता है वो पैदल मार के वही लेते हुए जा रहे हैं। ठीक बा, यहाँ से अभी शायद रोड आ जाएगा। आई थिंक जस्ट टुक मी सम 10 मिनट्स टू कम टू दिस रोड। 10 मिनट में आराम से मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और ये रोड आ गया। यहाँ से थोड़ी दूर अभी रोड रोड चढ़ना पड़ेगा। इसी रोड से सीधा सीधा फिर और एक शॉर्टकट रास्ता आएगा, वहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये रास्ता है या नहीं है, बट मैं रोड से मेन रोड से जो भी रास्ता ऊपर जा रहा था वो मैंने ले लिया, बिकॉज बेसिकली इज़ लाइक रोड ऐसा 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 है, तो जो भी रास्ता ऊपर जाएगा एट दी एंड मेन रोड से ही मिल जाएगा। सो मैं बिना पूछे ही अपने आप से ही ये रास्ता ले लिया हूँ। लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। सही है सही है, मैं वहीं से डायरेक्टली रोड पे आ गया। अब ये सारा रास्ता ऐसे देखो वाइंड होके ऐसे जा के फिर ऊपर आएगा। सो मुझे बस ऐसे जो रोड हैं बस
इन्हीं के ऊपर से चढ़ते चढ़ते जाना है। सो मेरा काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम बच जाएगा। आई डोंट नो वेयर आई एम राइट नाउ, आई थिंक आई एम लॉस्ट। ठीक है, आई कैन सी अ ट्रेल, आई विल गो दिस साइड। तो मैं शायद थोड़ा सा गलत रास्ता आ गया, आई टुक अ रॉन्ग रोड, रॉन्ग ट्रेल। सो अभी मैं वापस, जब पर ज़्यादा दूर नहीं आया मैं, लाइक 5 मिनट्स का डिस्टेंस होगा, तो मुझे अभी वापस मेन रोड पे जाना है। सो आई जस्ट गो डाउन बैक एंड देन उसी रोड से सीधा चढ़ता रहता हूँ मैं, ज़्यादा शॉर्टकट भी अच्छा नहीं होता ना कभी कभी। सो थोड़ा भटक गया था पर कोई बात नहीं, अभी मैं वापस मेन रोड पे आ गया हूँ। अब बस मेन रोड ही चलूँगा मैं, और बीच में अगर कोई छोटा मोटा शॉर्टकट दिखेगा तो पहले मैं मैप पे चेक करूँगा कि वो शॉर्टकट कहीं रोड पे लेके जाता है क्या नहीं, अगर ले जाता है तो ही शॉर्टकट लूँगा, अदरवाइज़ मैं मेन रोड से ही चलूँगा। पीछे एक भाई जी मिले, उन्होंने बताया ये वाला शॉर्टकट रास्ता है। तो नाउ दैट अपने को कन्फर्मेशन मिल चुका है, अब मैं इसी रास्ते से ऊपर जाऊँगा। ये वाला रास्ता लेते हुए सीधा ऊपर। भाई जी ने जो रास्ता मुझे बताया वो भी गलत निकला। वहाँ पे पहले रास्ता था पर अभी बहुत झाड़ियाँ वाड़ियाँ उग गई है, तो अभी जाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए एटलीस्ट। तो मैंने बोला जाने दो, लेट्स जस्ट गो बाय द रोड। देखते हैं अभी रास्ते थोड़ा लंबा है ये वाला रास्ता, बोल रहे हैं 7-8 किलोमीटर पड़ जाएगा, पर ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और मुझे कहाँ जाना है, टाइम है मेरे पास, तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। सो गाइस फाइनली मुझे शॉर्टकट रास्ता मिल गया, मेन रोड से सीधा सीधा आगे ना ये वाला जो घर है, अभी मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, पर ये वाला जो होटल है वहाँ से वो सीमेंट वाला रास्ता दिख रहा है, बस वो सीमेंट के रास्ते से ऊपर आते आते ऐसे आना है, सामने ये घर आइडेंटिटी उसका और ये येलो कलर का जो होटल है, दिस आर टू मार्क्स जो याद रख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, या फिर गाँव में आने के बाद यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा रास्ता। ठीक है, नाउ द रियल ट्रैक स्टार्ट्स। सीधा मुझे इसी रास्ते से ऊपर चलते जाना है। यहाँ पे जो झरना है छोटा वाला स्ट्रीम जो है, वहाँ से एक रास्ता राइट में जा रहा है और एक रास्ता यहाँ लेफ्ट में जा रहा है। तो मैंने ये वाला रास्ता चेक किया, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ से लोग नहीं जाते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो रोड, इसका मतलब वो रास्ता नहीं है। सो आई एम गोना ट्राई दिस वन, ये वाला जो रास्ता है इधर से एल्गो। या इट दिस लुक्स लाइक यूज्ड मोर ऑफन, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट इफ दिस इज द राइट पाथ। होप कि दिस इज द राइट पाथ। ओह शिट, वाह ठंडा पानी एकदम फ्रेश, जोश आ गया मेरे में वापस। Is it okay if I make a video of you? Yeah, video I can make, but don't share it on... Just for my memory. Yeah, your memory can have it.